ठीक है यार, क्या नूर है, चौधरी का चांद है यार। ओए है। देख यार क्या बात है। हेलो मैडम, वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ ना। मेरा चेहरा देख लिया तो और क्या देखोगे। अरे यार सामने तो देख। यार विनोद क्या बात है। अरे पार्टनर तू कहाँ था यार, क्या क्यामत आ गई है कॉलेज में। हाय क्या अदा है, क्या सूरत है, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है। किसकी बात कर रहा है तू। एक लड़की आई है कॉलेज में, बिल्कुल इंद्रलोक की अप्सरा लगती है, उससे दोस्ती करो तो उस्ताद माने। अच्छा किधर है वो। अपनी ही क्लास में गई है। फिर तो समझो दोस्ती हो गई। आपका नाम। मेघा। अति सुंदर अति सुंदर। आपको ज्ञात है कालिदास जी का मेघदूत नाम का लिखा हुआ एक महाकाव्य है, जिसमें प्रेमी मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा करता था। बड़ा मूर्ख होगा वो यक्ष जिसने मेघ को दूत बनाया। अरे ट्रंकॉल कर देता वो। वार्तालाप मेघा से हो रहा है, आप बीच में कहां से आ टपके। मेरा नाम आकाश है सर, और मेघा के मध्य में आकाश नहीं, आकाश के बीच में मेघा झूमती रहती है। क्यों जी, ठीक कहा ना। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए श्रीमान आकाश। मेघा जी आप इसी महानगर में रहती हैं। जी नहीं, मैं पूना की रहने वाली हूँ। सर देखा ना, ये बात साबित करती है कि आकाश और मेघा का कितना गहरा संबंध है, क्योंकि मैं भी पूना का रहने वाला हूँ। शांति शांति शांति। यस सर। क्या है। मेरा नाम शांति है। मैंने आपको नहीं बुलाया था, जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। शांत हो जाओ शांत हो जाओ। आप लोगों को याद है कल हम काल के बारे में बात कर रहे थे, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो इन तीनों काल को लेकर एक वाक्य बना सकता है। मैं बताऊं जी, मैं बताऊं। बताइए बताइए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था भूतकाल, और आज भी है वर्तमान काल, और कल भी रहेगा भविष्यकाल। मेघा जी इजाजत हो तो एक बात पूछूं। पूछिए। पूना में आप कहाँ रहती हैं? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब एक ही शहर के दो लोग परदेश में मिलते हैं तो एक लगाव सा होता है, बताइए ना प्लीज। फिर कभी। क्या हुआ? देखा किस तरह मुस्कुरा कर गई है। वाह वाह, चश्मे लगा के देख रही है, चश्मे बद्दूर। बाहर आ गई है गुलशन में। हाय हाय, अरे क्या बात है। वाह वाह, क्या हुस्न है। यार आकाश, इस बार तो एक से एक बढ़कर लड़की आई है हॉस्टल में यार। तो फिर विनोद दूरबीन से क्या देख रहा है, चल वहां जाकर पटाते उन्हें। नहीं यार नहीं यार, वो वार्डन है ना, वार्डन बहुत कड़क है यार, तुरंत कंप्लेन कर देगी। कुछ और सोच। हाँ सोचा।
पहनो अनोखी की ये चूड़ियारी, पहनो पहनो बाकी की ये चूड़ियारी, तेरे हुस्न की हो जाए मशहूर यारी, तेरे हुस्न की हो जाए मशहूर यारी। कच्ची उम्र में चूड़ियां पहने हो जाए वो जवान, अगर जवानी में पहने तो दिल में उठे सुपार, अनोखे कहा है मैंने सच, आगे थैंक यू वेरी मच, कहा है मैंने सच, आगे थैंक यू वेरी मच। मिटा देंगी हटा देंगी दिलों की दूरी यारी, पहनो पहनो अनोखे की ये चूड़ियारी, पहनो पहनो बाकी की ये चूड़ियारी, तेरे हुस्न की हो जाए मशहूर यारी, तेरे हुस्न की हो जाए मशहूर यारी। गजरा मजा न देगा, गजरा मजा न देगा, गजरा मजा न देगा, गजरा मजा न देगा, चूड़ी बगैर सजनी तेरा साजन न प्यार लेगा, गजरा हाय गजरा हाय गजरा मजा न देगा, गजरा मजा न देगा, चूड़ी बगैर तेरी तूनी लगे जवानी, ले जा तू मेरी चूड़ी दे यार को निशानी, वो बाके फेंक कहा है बरी को रख कहा है, वो बाके फेंक कहा है हाँ हाँ को रख कहा है, झुमका चाहे झुला ले हाय झुमका चाहे लगा ले, चूड़ी बगैर ला दो कुछ भी मजा न देगा, झुमका चाहे झुला ले झुमका चाहे लगा ले, बाके चूड़ी वाला अनोखे चूड़ी वाला, बाके चूड़ी वाला अनोखे चूड़ी वाला। पहनेगी जो मेरी चूड़ियाँ, पहनेगी जो मेरी चूड़ियाँ, उड़े तेरी ये रेशमी जुल्फे, उठे दिल में जवानी की चिंगारियाँ, हो उठे दिल में जवानी की चिंगारियाँ, जो छनकेगी तेरी चूड़ियाँ, जो छनकेगी तेरी चूड़ियाँ, उठे दिल में जवानी की चिंगारियाँ। करे तो मैं बोर कर रहा हूँ, तो कर ले माल इकट्ठा, हट उल्लू का पट्टा। यार है हाय 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 हाय।
पुतली है मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे बालों ने, काले काले बालों ने, हम कंगाल किया इनकी मत चालों ने, हम तो लुट गए हैं अपने ही ख्यालों में, या लूटली है मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे बालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे बालों ने, काले काले बालों ने। बहुत अच्छा। बड़ी प्रोफेसर कालिदास, क्या हुआ जो ऐसा ऐसा करते हो तुम? अरे भैया, हम एक प्रश्न जाल में फंस गए हैं। आज हमारी कक्षा में एक छात्र ने हमसे पूछ लिया कि पहले मुर्गी आई या अंडा। जी तो कर रहा था कि डंडा लेकर हम उसका सर फोड़ दें और कर दें उसे ठंडा। लेकिन फिर हमने सोचा, हमें लगा कि ये सवाल सही है। आप कुछ सहायता प्रदान कर सकते हैं? पूछो, क्या सहायता चाहिए? अंडे और मुर्गी में से पहले कौन आया? अरे मुर्गी आई पहले। तो फिर अंडा कहाँ से आया? मुर्गी में से आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अंडे में से। अरे अंडा कहाँ से आया? मुर्गी में से आया। अरे पहले कौन आया? मुर्गी आई पहले। अरे मुर्गी अंडे में से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी में से। पहले कौन आया? अंडा। आपकी क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ जाइए, जाइए अपनी अपनी क्लास में। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? मुर्गी अंडा, अंडा मुर्गी है, क्या ये? महोदय, हम एक कश्मकश में पड़ गए हैं। किस में पड़ गए? असमंजस में पड़ गए हैं। वो क्या है? मतलब कंफ्यूजन है। कैसी कंफ्यूजन? हम ये जानना चाहते हैं कि मुर्गी और अंडे में से पहले कौन आया। वेरी सिंपल, मुर्गी आई पहले। तो फिर अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। पहले कौन आया? मुर्गी आई। वो सही है सर, लेकिन फिर अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से आया। तो फिर मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। फिर अंडा कहाँ से आया? प्रिंसिपल आप या मैं हूँ? आप है महोदय। तो हम कहते हैं पहले मुर्गी आई। तो मुर्गी आई आई आई। इंगोरानी जी। कालिदास, ये प्रिंसिपल साहब इस तरह से कह रहे थे जैसे मुर्गी को इन्होंने पैदा किया है। अंडा पहले आया था मुर्गी। मुर्गी सर। हाँ? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। थैंक यू। इस दुनिया में पहले कौन आया था, मुर्गी या अंडा? मुर्गी। सर, मैं एक उलझन में फंस गया। भोपाली साहब, आप और उलझन में? मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस धरती में पहले कौन आया था, मुर्गी के अंडा? मैं आया था सबसे पहले। सच? मुबारक हो। अरे पता चल गया, पता चल गया। अरे मुझे पता चल गया। मुझे भी पता चल गया कि हमारे इस कॉलेज में कैसे कैसे प्रोफेसर पढ़े हैं। मेघा, कल तो तूने कमाल कर दिया, छक्कों को बुलाकर उनके भी छक्के छुड़ा दिए। मेघा, तुम्हें मानती हूँ मैं, अब वो लोग यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। अरे वो लोग बड़े बेशर्म हैं, उन्हें कभी इससे भी बड़ा लेसन देना चाहिए तुम्हें। हाँ, चलो अपने वार्डन को जाके कंप्लेन करते हैं। जरूर करनी चाहिए, वार्डन भी छुट्टी से आ गई है, सब मिलकर वही चलते हैं। ओके चलो। अरे भागो भागो, क्या हुआ? अरे गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन सोनिया रुस्तम जी अपनी फौज के साथ इधर ही आ रही, बड़ी गुस्से में लगता है आज अपनी खैर नहीं। I'm sorry. इस हॉस्टल का वार्डन मिस्टर सूरज भोपाली है। हम गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन मिस सोनिया रुस्तम जी है। Can't you hear me? तुम सूरज भोपाली है? हम सूरज भोपाली है। अरे तुम सोनी है, बहुत सोनी है, बैठो। यू मैजिक मैन, हम इधर बैठने का आसन नहीं आया। तुम अपना रास्कल स्टूडेंट। हाँ, तुम अपना रास्कल स्टूडेंट लोगों को डिसिप्लिन सिखाओ, समझा? तुम वार्डन हो बार बार। बार बार? हजाम, मैं कह रही हूँ कि सूरज भोपाली की बेइज्जती और हमारा मासूम लड़का पर इल्जाम लगाता है। तुम मुंडी को बुला के पूछो। नहीं, Oh!
रास का लोग था, चूड़ी वाला बनके हमारा गर्ल लोग के साथ मस्ती करता था। चूड़ी वाला बनके कैसे मस्ती करता था? यू डफर सॉन्ग आके सॉन्ग। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम भी मुझे छेड़ के बताओ ना कैसे छेड़ा था। दिस इज टू मच मिस्टर भोपाली। ये देखो तुम खामा खा मेरे लौंडों पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। मेरे मासूमों को तो अभी तक गाना क्या बजाना भी नहीं आता, क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ यस सर। हाँ यू रास्कल्स, तुम इन लोग के खिलाफ एक्शन लेता है कि हम जाएगा प्रिंसिपल का बटन दबाएगा। अरे वो भी डिस्टर्ब होगा और तुम हमको धमकी देता है, प्यार दियो ना। शट अप यू थर्टी बुड्ढा, कम ऑन गर्ल्स, वी विल गो टू द प्रिंसिपल। चलो चलो मैडम। हमसे ना उलझो बटन दबा देंगे, लड़कियों हमसे ना उलझो बटन दबा देंगे। तुम्हारे हुस्न का, तुम्हारे हुस्न का ये बल्ब हम बुझा देंगे। ओ लड़को ओ लड़को ओ लड़को, आंख हम अपनी अगर दबा देंगे, ओ लड़को आंख हम अपनी अगर दबा देंगे। दीवानों दिल में हम, दीवानों दिल में हम सारे तुम्हें दिखा देंगे। लड़कियों लड़कियों हमसे ना उलझो बटन दबा देंगे, लड़कियों हमसे ना उलझो बटन दबा देंगे। चुप के देखती हैं ये तेरी लड़कियां लड़कों को।
सूखे देखती है तेरी तरह ही ये आंखों को बड़ा सेकती है तेरी तरह ही ये आंखों को बड़ा सेकती है तेरी तरह ही ये आंखों को बड़ा सेकती है हाय हाय इसीलिए तो परेशान सारा नेशन है वो कौन है जो जखा चांद पे निसार नहीं ये दिल कैंडल की रोशनी का तलबगार नहीं ये जगह ढोंग हमने बिजलियों से सीखी है तुम्हारे हुस्न की लाइट बड़ी ही फीकी है जो बहस करते हैं वो लोग फूल होते हैं जो बहस करते हैं वो लोग फूल होते हैं नहीं वो फूल नहीं डर फूल नहीं समझी ना आदमी हो या पैजामा खड़ा कर दिया आदमी हो या पैजामा खड़ा कर दिया महंगा पड़ जाएगा लड़ना लेगा के ना बनना मेरा तुम क्या कर लोगी पिटाई जम के होगी मजा तुझको चखा दूं तेरी घंटी बजा दूं होठ है तेरे अंदर शक से तू है बंदर हमारे दो जाओ हमारा कर रखाओ तो जब लड़की है कैसी वार्डन सोनिया रुस्तम जी ने जो इल्जाम आप पे लगाया है वो आपको मंजूर है सर ये जो कुछ भी कह रही है बगैर सर पैर के कह रही है सर मेरे बॉस तो एकदम मोमबत्ती की तरह सीधे और नरम है सर यू लायर डोंट टॉक रबिश यू लायर सर लायर क्या कर रहे हो सर लायर स्टॉप इट सॉरी सर सर मैं ना लायर हूँ ना कायर हूँ ये खामखा मेरे सीधे साधे लौंडों पर इल्जाम लगा रही है ये अच्छी बात नहीं है मिस सोनिया रुस्तम जी मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप दोनों अपने जाती झगड़ों में कॉलेज के लड़के लड़कियों को घसीट रहे हैं ये अच्छा नहीं है जाइए आप लोग यहां से पर सर सोनिया जी यू कैन गो नाउ प्लीज यस सर सोनिया जी चलिए ना बाहर यू माइंड योर ब्लडी बिजनेस आइए ना जा रहे हैं कि नहीं आप लोग जा रही हैं जाइए अरे मैं कह रही हूँ सोनिया जी मेरी बात तो सुनिए सोनिया जी अरे मेरी बात तो सुनिए मेरा कसूर नहीं ये सारा कसूर केले के छिलके का है आए आए अब तो लगता है कि टकरा टकरा के भगवान भी हमको मिलवाना चाह रही है ये कभी नहीं हो सकता अरे ऐसा मत बोलो अरे हिंगू जी भैया हमने सुना है कि पिछले चार दिनों से तुम जालिम जवानी देखने जाते हो वो क्या है ना कि जालिम जवानी की हीरोइन है ना वो बड़ी खूबसूरत है अच्छा उसका एक सीन है नदी में नहाने का वो नदी में नहाने के लिए जाती है फिर साड़ी निकालती है साड़ी निकालती है फिर उसके बाद ब्लाउज निकालती है ब्लाउज भी निकालती है फिर उसके बाद जब बचे हुए कपड़े उतारने जाती है ना तो बीच में ट्रेन आ जाती है इस ट्रेन को भी इसी वक्त आना था मैं यही सोच कर चार दिन से वही पिक्चर देखने जाता हूँ कि कभी ना कभी तो ट्रेन लेट हो जाएगी हिंगू साहब जी अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम भी आपके साथ चलें अरे चलो ने बाबा शायद तुम्हारे वहाँ आने से कभी ट्रेन लेट हो जावे जो आज तक देखने को नहीं मिला है वो देखने को मिल जावे ना किसको उधर अरे काय को खिसकेगा बहना दो पढ़े लिखे आदमी बात करे बीच में कबाब में हड्डी किधर से आ गया खिसको ना नहीं खिसकेगा नहीं खिसकेगा नहीं तुम उधर जाके बैठो ना काय को उधर जाके बैठेगा तुम किसको नहीं खिसकेगा बोला ना नहीं खिसकेगा साला मारता है अच्छा तुमने तुम्हारे बाप का दूध पिया है नहीं तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो हमारे दोस्त को भी मार के बताओ नहीं अभी बैठ जाओ खुद मार खाया उसको भी मार खिलाया अब बोलता कि बैठ जाओ नहीं नहीं ऐसा है नहीं कि हम अकेला कॉलेज में मार खा के जाता नहीं तो हमारा ये कॉलेज के अंदर मजाक उड़ाता नहीं अभी तो इसकी भी चुप हमारी भी चुप ठीक है तुम घर जाके तुम्हारे बाप को भी मार देना नहीं क्या रोता है इसमें रोने का क्या है बड़ी स्टूडेंट्स इन दिनों हम मुगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं नी बड़ी कल मैंने बताया था अकबर बादशाह को बड़ी दुआओं के बाद बड़ी मन्नतों के बाद अपनी औलाद का मुंह देखना नसीब हुआ था नी जिसका नाम था सलीम करेक्ट है एकदम करेक्ट है फिर तो आप लोगों को यह भी मालूम होगा
कि सलीम की मोहब्बत एक कनीज अनारकली के साथ हो गई और उस अनारकली को सलीम के साथ मोहब्बत करने के जुल्म में अकबर बादशाह ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस तरह उसके प्यार की दास्तां दीवार में दबकर खत्म हो गई। नहीं सर, ये गलत है। अनारकली की सच्ची मोहब्बत दीवारों में दबकर खत्म नहीं हुई, बल्कि दुनिया में सच्चे प्यार की मिसाल बन गई। अनारकली के प्यार की कहानी सच्चे मोहब्बत करने वालों को सदा नई ताकत देती रही है। सलीम एक शहंशाह का लड़का था और अनारकली एक कनीज, फिर भी अनारकली के प्यार की देन को पनपने से कोई नहीं रोक सका। न बादशाह, न दौलत, न तोप, न ही तलवारें। सच्ची मोहब्बत करने वाले पहाड़ों से टकराने का हौसला, धन दौलत राजपाट को ठुकराने की हिम्मत, अपने आप को सूली पर लटकाने का कलेजा और हर मुसीबत का मुकाबला करने की शक्ति रखते हैं। सलीम भी उन्हीं में से एक था। अनारकली ने अपनी मोहब्बत के लिए खुद को मिटा दिया, पर सलीम का नाम अपने होठों से जुदा तक नहीं किया। सच्ची मोहब्बत की इतनी बड़ी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती सर। सुंदर, अति सुंदर, आपने प्रेम का जिस तरह से वर्णन किया है उसकी प्रशंसा किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। संयोग से इस साल कॉलेज में होने वाले महोत्सव का विषय भी मोहब्बत है। जो भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहे वो कृपा करके अपने नाम लिखा दें। मेघा, 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 मोहब्बत है।
मोहब्बत शबनम है, मोहब्बत शबनम है, मोहब्बत चिंगारी, मोहब्बत चिंगारी, मोहब्बत खुशबू है, मोहब्बत खुशबू है, मोहब्बत गुलकारी, मोहब्बत गुलकारी, मोहब्बत बचपन है, ये जवानी है, आग है आधी आधा पानी है, मोहब्बत जमुना है, मोहब्बत जमुना है, मोहब्बत गंगा है, मोहब्बत गंगा है, ये सबसे ऊंची है, ये सबसे ऊंची है, ये कंचन गंगा है, ये कंचन गंगा है, मोहब्बत रामायण राम और सीता है, कुरान बाइबल है, मोहब्बत गीता है, मोहब्बत राधा है, मोहब्बत कृष्ण है, बड़ा ही नूरानी मोहब्बत कृष्ण है। क्या हो ये तो नहीं जानता, लेकिन जब से तुम्हें देखा है दिल में उतर आई हो। क्या बात है यार आकाश, जिसकी बाहों में ये चांद का टुकड़ा आ जाए ना उसके तो पाव बारा हो जाए यार। तू देखता नहीं दोस्त, वो तेरे सामने खड़ा है। मेघा का मतलब जानता है? मेघा जो सदा आकाश की बाहों में झूमा खेला करती है। मेघा पर तो सिर्फ विनोद का नाम लिखा जा चुका है, वो सिर्फ मेरी बनकर रहेगी। क्या सोच रहे हो दोस्त? यही ख्यालों में खो गया था यार। ऐसी हसीन लड़की को देखकर किसको ख्याल नहीं आया। तो ठीक कह रहा है। ये क्या बदतमीजी है? मेरा नाम विनोद है, आपसे एक क्लास सीनियर हूँ और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। अरे आकाश, कुछ सुना? क्या? विनोद कल मेघा से मिलने गया था। किस लिए? दोस्ती करने के लिए भाई। दोस्ती करने के लिए? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कल मुझसे ये सॉल्व नहीं हुआ, क्या करे। हाँ ये वाला। I'm so sorry मेघा, लगता है आप मुझसे अभी तक खफा हैं। मेरा मतलब है शायद उस दिन की बात आपको बुरी लगी हो। वैसे अगर आप दोस्ती नहीं करना चाहते तो ठीक है, रिश्ता बना लीजिए, हम भी कुछ कम नहीं। मिस्टर विनोद, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं। आप प्लीज यहाँ से जाइए। मेघा, मैं बहुत जिद्दी किस्म का आदमी हूँ, जिस चीज को मैं चाहता हूँ उसे किसी भी कीमत पर हासिल करता हूँ, और मैंने तो इरादा कर लिया है कि शादी मैं तुमसे ही करूंगा। आप यहाँ से जाते हैं या मैं प्रिंसिपल को बुलाऊं? आपका जवाब लिए बगैर बंदा यहाँ से नहीं जाएगा। मिल गया आपका जवाब। ये क्या कर रहे हो विनोद? ये कॉलेज कंपाउंड है, अगर तुमने यहाँ कुछ किया तो तुम सस्पेंड भी हो सकते हो। मैंने भी अगर इस थप्पड़ का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम विनोद नहीं। हाँ मैं कल मिलने आऊंगी पक्का। हाँ, नहीं, तूने मुझे थप्पड़ मारा है, इसका हिसाब मैं आज ही चुकता कर दूंगा। तुझे किसका कहूंगा? इस भरे कॉलेज में सबके सामने तुझे किस करूंगा? छोड़ो, आज छोड़ूंगा मैं।
नहीं छोड़ूंगा। हेलो, ये तू क्या कर रहा है? हंसी मजाक अलग बात है, मगर ये तो तू बदतमीजी कर रहा है यार। आकाश तू मेरे रास्ते से हट जा, मेघा को आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। विनोद तुम इसे छोड़ दो, हट जा, अब देखता हूं तुझे कौन राम जादे। विनोद ये क्या कर रहा है तू? आकाश, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, हट जा मेरे रास्ते से। इधर आ रहे हैं, भागो। आकाश, मेघा, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूं, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? बैठो ना। मैं तो डर गई थी। तुम्हारा यहां आना मेघा मेरी खुशकिस्मती। वैसे तो मुझे लगता है कि विनोद के कारण ही तुम मुझसे मिलने आई हो। ये फूल मेरे लिए? जानती हो, गुलाब का रंग प्यार का रंग होता है। इसकी हर पंखड़ी प्रेम पत्र और इसकी खुशबू प्रेम संदेश। मेघा, मेरे प्यार की ये सारी दौलत तुम्हारे पास मेरी अमानत है। आकाश, बता तुम्हें इन सब में क्या खूबसूरत लगता है? नदी का बहता पानी, ढलता हुआ सूरज, हवा की खुशबू, या तुम्हारा ये रूप मेघा? बस, जो दुनिया का खूबसूरत मंजर है। मेघा, अरे कहां गई मेघा? बंसी लूटा दिल में है, वो तेरे महबूब।
अपनी बेवकूफी पे हंस रहा हूं जो जागते हुए भी सपने देखता रहता हूं, मेघा के सपने, उसके प्यार के सपने।
अरे अरे सुबह सुबह गधे को कहाँ घुमाने ले जा रहा है? क्या काम नजर आता है क्या? कुत्ते को गधा बोल रहे हो? अरे भाई साहब आप क्यों नाराज हो रहे हैं? ये थोड़ी ना आपसे कह रहे हैं, ये तो कुत्ते से कह रहे हैं। अच्छा अच्छा क्या कुत्ते से बोल रहा था? यानी मैं गधा हूँ? समझ में आ गया। मिस मेघा, क्या ये किताब तुम अपने साथ लाई हो? आई डोंट नो सर, ये किताब मेरी नहीं है। ये तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना चोरी। गेट अप, आई से गेट अप। सर, ये किताब मेरी नहीं है सर। ये किताब तुम्हारी मेज से मिली है, इसका मतलब ये है कि तुम कॉपी करती हो, नकल करती हो। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं इस किताब के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकती, तुमको जो भी कुछ कहना है प्रिंसिपल साहब के सामने कहना, जब तुमको 3 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे तभी तुमको अकल आएगी। गेट आउट। नहीं सर, मैं कसम खाकर कहती हूँ ये मेरी किताब नहीं है। अगर मेरे भैया को पता चलेगा तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। ये किताब मेरी है सर। व्हाट? अगर ये किताब तुम्हारी है तो ये मेघा की मेज पर कैसे पहुंची? मैंने आपके डर से वहां रख दी थी। गेट आउट, आई से गेट आउट। सॉरी मेघा, तुम एग्जाम दे सकती हो। मैंने तुम्हें वो किताब मेघा के मेज के नीचे रखने को कहा था, तो तुमने प्रकाश के मेज के नीचे क्यों रखी? मैंने किताब मेघा के मेज के नीचे ही रखी थी और प्रोफेसर ने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन प्रकाश ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। प्रकाश क्या कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं, यूं ही लकीरें खींच रहा था, अपने दिल की बातें कागज पर उतार रहा था। प्रकाश आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? जी मैं समझा नहीं। मेरा इल्जाम अपने ऊपर लेकर अपना साल बर्बाद किया? तो क्या हुआ, एग्जाम में अगले साल दे दूंगा, जो हो गया उसे भूल जाइए। ऐसी बात भुलाई नहीं जा सकती। सोचती हूँ आपका इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाऊंगी। वेरी सिंपल, मेरे साथ एक कप चाय पीकर। यू आर वेरी नाइस पर्सन प्रकाश। आप मेरी बात को टाल रही हैं? बिल्कुल नहीं, अभी तो कल की एग्जाम की तैयारी करनी है, मगर एग्जाम के बाद मैं आपके साथ चाय जरूर पीऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेघा आप और यहाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है, आखिर मेरी इतनी तस्वीरें क्यों लगा रखी है आपने? मेरी कलम अब आपके सिवा और कोई तस्वीर नहीं बना सकती, मेरी दुनिया तो आप ही के तस्वीरों से आबाद है। आइए बैठिए, बैठिए ना। आप मेरी इस गुस्ताखी से नाराज तो नहीं? नहीं प्रकाश, मगर मेरे दिल में किसी और की तस्वीर है। जानता हूं आप आकाश से मोहब्बत करती हैं। इसके बावजूद देवता किस किस के मन में बसते हैं, इससे पुजारी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अफसोस है प्रकाश कि आप मेरे कारण अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ना, ऐसा मत कहो मेघा, आपके कारण तो मेरी जिंदगी को नए मायने मिले हैं। मेरी सबसे बड़ी हसरत थी कि मेरे घर की दहलीज आपके कदम चूमे। आपके यहां आने से
आज मैं जी उठाऊं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या कहूं। आप कुछ ना कहें, बस एक वादा करें। बिना सोचे समझे करूंगी। मेरी तमन्ना है कि तकदीर आप पर फूलों की वर्षा करे, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर याद करें। मैं चाहूंगी कि मुझ पर कोई मुसीबत आए और मैं आपका एहसान लूं। मेघा, दो दिन के बाद हमारा कॉलेज एक महीने के लिए बंद हो रहा है, तुम मेरे साथ ही पुणे चलना। साथ चलने का कोई रीजन? बहुत बड़ा रीजन है। वो क्या? मेरा दिल तुमसे एक पल भी दूर रहने के लिए गवारा नहीं करता। हर समय तुम्हारे साथ साथ रहूं, यही मेरे दिल की ख्वाहिश है। फिर तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मेरी ट्रेन की सीट रिजर्व हो चुकी है, ये रहा टिकट। अरे मैं कल 10 बजे तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे हॉस्टल पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार है ना? लो मेघा, तुम्हारा घर आ गया। भैया घर पे ही होंगे तो चलो मैं भी उनसे मिल लेता हूँ। अभी नहीं, फिर कभी। हाँ ओके। मेघा कल सुबह की बात याद है ना? क्या? कल सुबह 10 बजे हम लवडेल पर मिलेंगे। ये बॉम्बे नहीं है, भैया से पूछना होगा। देखो मेघा, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें वहाँ जरूर आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। भैया, भैया। अरे मेघा, मेघा मेरी बहन, तू आ गई? न चिट्ठी न पत्र। इतना समय ही कहा था भैया, हमने सोचा जब तक चिट्ठी घर पहुँचे हम खुद ही पहुँच जाते। बहुत अच्छा किया, चल 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 चल। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। और आप कितने सूख गए हैं, खाना वाना खाते थे कि नहीं? अरे मैं तो तीनों वक्त डट के खाता था, सुबह को दही पराठा, दोपहर को दाल चावल सब्जी रोटी, और शाम को खाओ मेरी कसम।
अरे कसम क्यों खिलाती हो? अब जब आई गई हो तो अच्छे से खाना खिलाओ। जानती हो कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए? खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी। रोज वक्त पर आना होगा, और अगर नहीं आए तो शुरू हो गई आपकी डांट डपट मेरी दादी अम्मा। अब वही होगा जो आप कहेंगी। पापा पापा। अरे आकाश बेटे आओ आओ आओ, बरखुदार, जीते रहो, पढ़ाई वढ़ाई ही करते रहे या कुछ आयुष वैश्वी की कॉलेज में? बस पापा, जो कुछ कॉलेज में होता है। साहब ज्यादा कॉलेज में क्या होता है वो हम जानते हैं। अब जाओ तुम, मुआ धो, फिर बात करेंगे। आप कैसे हैं पापा? जब आदमी इस उम्र का हो जाता है ना तो उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछते। जाओ जाओ जाओ, अपनी माँ से मिलो, जाओ। माँ माँ माँ। आगे बेटे। हाय लागू माँ। जीते रहो, कैसे हो? टॉप ऑफ द वर्ल्ड माँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जल्दी से मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। नहीं हो सकता। यही होगा सेठ साहब, आज स्ट्राइक का पहला दिन है, और अगर आपने हमारे डिमांड्स पर ध्यान नहीं दिया तो हमें बेमुद्दत स्ट्राइक करनी पड़ेगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आप इसे जो भी समझे सेठ जी, ये रहा नोटिस। सुनो, अगर तुम लोगों ने स्ट्राइक वापस नहीं लिया तो मैं मिल में लॉकआउट करवा दूंगा। सोच लो, सोच लो, अगर लॉकआउट करवा दिया गया तो मजदूर भूखे मर जाएंगे। हाँ हाँ, मिल भी नीलाम हो सकता है, नुकसान दोनों तरफ होगा, लेकिन सबके जिम्मेदार तुम हो गए। तुम सेठ जी, आप हम गरीबों को भूख से, गरीबी से और मौत से नहीं डरा सकते। अरे मौत तो सदा हम गरीबों के दरवाजे पर खड़ी रहती है। सेठ जी, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मिल को बचाएं और हमारी मांग पूरी करें। नमस्कार। शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ भाइयों। हमने सेठ भानु प्रताप को बेमुद्दत हड़ताल का नोटिस दिया है, मगर उन्होंने हमें लॉकआउट की धमकी दी है। लॉकआउट? मिल बंद हो जाएगी तब तो हम भूखे मर जाएंगे। भाइयों, अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। मैं आप लोगों की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकता। भाइयों, जब लड़ाई शुरू हो गई है तो सर पर कफन बांध कर चलना पड़ेगा। जुल्म सहना तो दोहरी मौत है, जब हम आगे बढ़े हैं तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। बोलिए, आप लोगों का फैसला क्या है? हेलो पुलिस, लोग पोजीशंस ले लीजिए। इंस्पेक्टर खान। यस सर। टेक चार्ज। जी, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके सर, मैं अभी आता हूं। आओ मेरे साथ। गई मोहल्ला या टोला, जा गई मोहल्ला या टोला, बलम तनी दिए।
जल्दी कटहरी हमेश रहे कच्ची, जल्दी कटहरी हमेश रहे कच्ची। अब ही बलमुआ मरे, अब ही बलमुआ बहुत हूँ मैं बच्ची, बहुत हूँ मैं बच्ची। देखो मन में जलाओ न शोला बलम तनी, जलाओ न शोला तोरे पैयाला छेड़ करो भैया, तोरे पैयाला छेड़ करो भैया, तोरे पैयाला छेड़ करो भैया, पैयाला छेड़ करो भैया। अरे टूटेगी जोड़ी, टूटेगी जोड़ी मोरी पकड़ो ना भैया, टूटेगी जोड़ी मोरी पकड़ो ना भैया, पकड़ो ना भैया। देखो घूमट हमार जिनी खोला बला सेठ जी, शंकर बाबू आ गए। नमस्ते सेठ जी। हाँ बैठो बैठो, तुम जाओ जाओ जाओ। जी सर। आज मिल की हड़ताल को 18 दिन हो चुके हैं और हर मिल मालिक के लिए मशीन की आवाज ही उसकी धड़कन है, उसकी जिंदगी है, सब कुछ है। ये 18 दिन हमने बहुत ही सन्नाटे में गुजारे हैं। ये बैग तुम रख लो, इस बैग में 50,000 रुपया है और हमें हमारी जिंदगी वापस लौटा दो। मैं बिकाऊ नहीं हूं सेठ जी, जिसे खरीदा या बेच दिया जाए, मुझे अपने लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मजदूर भाइयों का हक उनको दे दीजिए, उनकी मांगे पूरी कर दीजिए सेठ जी। उनकी मांगे नाजायज हैं। नाजायज नहीं, जायज है सेठ जी, और जब तक आप उनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक आपको इस भयानक सन्नाटे में जीना होगा। ठहरो ठहरो, तुम्हारी एक बहन है जिसकी शादी की जिम्मेदारी तुम पर है और हर भाई की इच्छा होती है कि वो अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से रचाए, और तुम भी यही चाहते। यकीनन सेठ जी। तो ये बैग रख लो, धूमधाम से शादी रचाओ, अपने अरमान पूरे कर लो। बेईमानी के रुपयों से अपने अरमानों को पूरा करने से बेहतर है मर जाना सेठ जी। अपने मजदूर भाइयों के खून से अपनी बहन की मांग का सिंदूर शंकर हरगिज नहीं खरीदेगा सेठ जी। तुम पैसों की कीमत को नहीं जानते। मैं पैसों की कीमत को अच्छी तरह जानता हूं सेठ जी, लेकिन आप एक बात को नहीं जानते कि किस्मत और वक्त हमेशा एक से नहीं रहते। हो सकता है इन पैसों की जरूरत आपको भी कभी पड़े, इसलिए इन्हें संभाल के रखिए। तू मेरा प्यार है, तू मेरी पूजा है, तू किसी की भी हो जाए, मेरा दिल और मेरी जान हमेशा तेरे लिए है, हमेशा। अरे मेघा, तू मुंबई से कब आई? कल ही तो आई हूँ, लेकिन तुम लोग सब कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं? आज अर्चना की सगाई है, हम सब लोग मिलके उसी के घर जा रहे हैं। क्या तुम्हें उसका कार्ड नहीं मिला? नहीं तो। अरे कैसे नहीं मिला, मेरे सामने अर्चना ने तेरे भैया को कार्ड दिया था, लगता है भैया तुम्हें बताना भूल गए। हाँ हो सकता है। खैर छोड़ो, चलो हमारे साथ। नहीं मैं किसी से मिलने जा। मगर कुछ नहीं, चलना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे कपड़े क्या पहनूंगी? कपड़े का छोड़ो, अर्चना के पहन लेना। देखो मेघा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा।
हाय, नजर न लग जाए। अयो, मैं मारी जाऊं। ए, तुमने जीजा जी को देखा है? सुना है? क्या सुना है? सुना है, मगर क्या सुना है? अरे क्या सुना है, जीजा जी बड़े दिल में है।
हेलो आकाश, मैं मेघा बोल रही हूँ। आई एम सॉरी मैं आ जा ना सकी। वो क्या है कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स है ना, वो मुझे जबरदस्ती अर्चना के घर ले गए थे। आज उसकी मंगनी थी ना, तो मैं ना भी नहीं बोल सकी। मैं कल सुबह 10 बजे लव डे ला रही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जरूर आना। ओके बाय। दिलदारी जब तक ना मिले ये प्रीत अधूरी रहती है। दिल यार का अगर ना जीता हर जीत अधूरी रहती है। आकाश, मेघा, आकाश, आई लव यू मेघा, आई लव यू मेघा, मेघा आई लव यू, आई लव यू मेघा। क्या देख रही हो? उस फूल को। वो फूल हमारे इस फूल के सामने कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है आकाश, तुम उस फूल की अहमियत नहीं जानते। क्या खासियत है उसमें? कहते हैं उस शाख पर हमेशा एक ही फूल खिलता है। अगर कोई प्रेमी उस फूल को तोड़कर अपनी प्रेमिका को देता है तो उनकी मुराद हमेशा पूरी होती है। अरे आकाश, मैं तो यूं ही कह रही थी, वो जगह बहुत खतरनाक है। रुक जाओ आकाश, रुक जाओ, वो जगह बहुत खतरनाक है। प्लीज आकाश, तुम्हें मेरी कसम आकाश, वापस लौट आओ। तुम्हारे साथ हूं मेघा। इतना बड़ा घर, मैं इसमें खो जाऊंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें खोज लूंगा।
नमस्ते। जीती रहो जीती रहो। क्या चांद का टुकड़ा है, है? जी। क्या नाम है बेटे आपका? जी मेघा। वाह क्या खूबसूरत नाम है भाई है बेटी। कुछ घरस्थी बरस्ती भी हो या सिर्फ नाम ही मेघा है? बेटे आकाश तुम कुछ रोशनी डाल सकते हो इसमें? हाँ पापा खूब गरजती बरसती है। तो आप उधर क्या देख रहे हैं? जाइए कुछ तैयारी कीजिए, कुछ खाने वाने के लिए लाइए, लड़की पहली बार यहाँ पर आई है। बेटी आओ बैठो। देखो जी मैं तो इसे देखते देखते मर जाऊंगी। हाँ अरे मरना वरना मत, बस देखते रहना। वाकई चश्मे बद्दूर भगवान ने क्या रूप दिया है। बेटी तुमने अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तुम रहती कहाँ, तुम्हारे घर वाले कौन है? जी मेरे घर में और कोई नहीं है, सिर्फ भैया है। सिर्फ भैया है? जी। क्या नाम है तुम्हारे भैया का, क्या करते हैं वो? आप इस बच्ची का अभी से इम्तिहान ले रहे हैं? देवी जी कल आपको शगुन लेकर जाना होगा, घर का पता और घर के मालिक के बारे में तो मालूम होना चाहिए। हाँ बेटी तो क्या नाम है तुम्हारे भैया का? जी शंकर। शंकर क्या करते हैं तुम्हारे भैया? भारत मिल में काम करते हैं। तुम्हारे शंकर भैया यूनियन के लीडर तो नहीं है? जी हाँ वही मेरे भाई है। घबराओ मत मेघा, मैं पिताजी को समझा लूंगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। आकाश मेरी गरीबी हमारे प्यार में रोड़ा तो नहीं बन जाएगी? क्या पागलों जैसी बातें कर रही है, मेघा को आकाश से कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम इत्मीनान से घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। मेघा ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेघा मैं क्या जानू भैया, अनजान बनने की कोशिश मत करो और सीधे तरीके से मेरे सवालों का जवाब दो। किस बात का जवाब भैया? क्या ये सच है कि तुम आकाश से प्यार करती हो? हाँ भैया ये सच है। जानती हो वो कौन है? भैया मैं पहले नहीं जानती थी कि वो मिल मालिक का बेटा है, मगर अब तो जान गई हो ना। प्यार करना कोई पाप तो नहीं? पाप है, एक मजदूर की बहन का एक पूंजीपति के बेटे से प्यार करना पाप है, एक गरीब का एक अमीर से रिश्ता जोड़ना पाप है। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पढ़ा लिखा के काबिल बनाया कि एक दिन तुम मेरे खिलाफ मेरे दुश्मन के घर में बहू बनकर जाने का ख्वाब देखो? भैया आप लोगों की लड़ाई उसूलों की है, इसमें मेरा और आकाश का क्या दोष? बंद करो ये बकवास। मेघा तुम मेरी बहन जरूर हो, लेकिन वे हजारों मजदूर भी मेरे भाई हैं जिनको मुझ पर पूरा भरोसा है। ये मेरा धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध, और इस युद्ध में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। लेकिन आज के बाद तुम आकाश से नहीं मिलोगे, ये मेरा उपदेश नहीं आदेश है। अरे मेघा हमारे दुश्मन की बहन है, उसे रिश्ता जोड़ना तो दूर, हम उससे किसी तरह का वास्ता भी रखना नहीं चाहते। पिताजी मैं उसे... हमने इस विषय पर जो कहना था हम कह चुके हैं, द चैप्टर इज क्लोज, बंद। ये सब क्या हो रहा मेघा? दुनिया हमारे प्यार की दुश्मन हो गई है, जमाना हमारी मोहब्बत को देकर जलता है, लोग तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं, क्यों मेघा क्यों? आकाश चलो मेघा हम यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाते हैं, जहाँ तुम हो मैं हूँ और हमारा प्यार। अरे क्या सोच रही हो मेघा, यूं तो हम तिल तिल कर मर जाएंगे, मेघा हमें जीना है, साथ साथ जीना है, साथ साथ मरना है। बेशर्म, मैंने तुझसे कहा था कि इसे कभी नहीं मिलना, चलो यहाँ से। शंकर भैया, शंकर भैया, मैं मेघा से प्यार करता हूँ, वो भी मुझे चाहती है, हम एक दूसरे। सुनो आकाश, गरीब और अमीर नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते, सुना तुमने? हट। शंकर भैया सच्चा प्यार दोनों किनारों को जोड़ देता है, आप हमारे जज्बात को समझने की कोशिश तो कीजिए।
मुझे कुछ समझना बूझना नहीं है, सुना ना, गेट आउट। शंकर भैया, शंकर भैया, आप मेघा को मुझसे जुदा नहीं कर सकते हैं। मेघा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। चलो मेघा। शंकर ने तेरी पिटाई की, वो बदजात ने तुम्हें मारा, वो तुझे मारता रहा और तू 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 बस मार खाता रहा। शाबाश शाबाश, उसने तुझे बेइज्जत किया तो कुछ ना बोला, तू चुप रहा है। तेरी रंगों में खून है या गटर का पानी, बोल। आपने भी उसकी बहन के साथ ऐसा ही सलूक किया था ना पापा, क्या आप भूल गए? आपने एक बेकसूर बेगुनाह लड़की को बेइज्जत करके अपनी हवेली से निकाला था ना। अब आपके बेटे को आपके किए की सजा मिली है तो आपका खून खोल रहा है। मगर ये मत भूल कि शंकर ने भानु प्रताप के बेटे पर हाथ उठाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामू, मेरी बंदूक। नहीं पापा, आप शंकर भैया को कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ किया तो आपका बेटा या तो आपके खिलाफ बगावत का ऐलान कर देगा या अपने आप को खत्म कर देगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा तूने। अरे गलती तो मेरी थी ना जो तुझे इतना सर चढ़ा कर रखा था, मगर अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुझे आज और अभी मामा के घर छोड़कर आता हूं, और जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू वहीं रहेगी, समझी? चल। नहीं नहीं, मेरी मेघा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। मेघा, मेघा, मेघा सिर्फ मेरी है, मेघा को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं, कहां ढूंढूं मैं मेघा को, कहां मिलेगी मेरी मेघा? आकाश, आइंदा अगर मेघा को मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं, मेघा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, भले मेरी जान चली जाए, कोई नहीं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या हो गया है इसे? कल से कुछ खाया भी नहीं है इसने। शंकर भी तो कुछ बताकर नहीं गया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक भाई अपनी बहन को भगा कर ले गया? आप समझ नहीं रहे हैं, लड़की मुझसे प्यार करती है और भाई हमारे खिलाफ है। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं, और अब तुम्हें समझा रहा हूं कि आप यहां से जाइए और मुझे काम करने दीजिए। दक्ष भाई, तुमने सुना? सारे शहर भर में कोहराम मचा रखा तुम्हारे सबूत में। बच्चा है। बच्चा क्या है? और अगर बच्चा है तो उसे समझाओ, अच्छी तरह से समझाओ अपने बच्चे को, तो लड़की को भूल जाए। रिश्ता अपने बराबर वालों के साथ किया जाता है, और तुम जानती हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि शंकर हमारा दुश्मन है, दुश्मन। शंकर, शंकर बेटा, शंकर। मामा जी, सब कुशल तो है? वो मेघा। मेघा? हाँ। मेघा क्या? मेघा अस्पताल में। अस्पताल में? वो जहर। डॉक्टर रस्तोगी? Yes, Dr. Pillai. Please arrange the oxygen immediately. Right, sir. Nurse, give me the mask. Mommy. मेघा कैसी? पता नहीं बेटा, अंदर जाने की इजाजत नहीं, पूछो तो कोई कुछ बताता भी नहीं है। डॉक्टर,
मेरी बहन कैसी है? शी इज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, मौत से लड़ रही है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, भगवान पर भरोसा रखिए, हैव करेज। हे भगवान, तूने बचपन में बाप को उठा लिया था, होश संभलते ही मां को, मैं चुप रहा। परसों तक आधा पेट रहकर गुजारा किया, फिर भी मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज, आज मैं तुमसे यह जरूर पूछूंगा भगवान, कि मुझ पर इतने जुल्म क्यों? मेरा कसूर क्या है? क्यों छीनना चाहते हो मेरी सारी खुशियां, मेरे जीने का आखिरी सहारा? क्यों भगवान, आखिर क्यों? क्यों, क्यों? शंकर, शंकर बेटा, मेघा को होश आ गया बेटा। हाँ, मेघा को होश आ गया। मेघा, मेघा मेरी बहन, आंखें खोल, आंखें खोलो मेघा, आंखें खोल बेटा। अगली, तूने ये भी नहीं सोचा कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे इस भाई का क्या होता? क्या गुजरती उस पर? क्या होता उस वचन का जो मैंने अपनी मरती हुई मां को दिया था कि मेरे जीते जी मैं अपनी मेघा पर दुखों का साया तक नहीं पड़ने दूंगा? हाँ? नहीं बेटा, नहीं। आज, आज मैं तुझे वचन देता हूं, सबसे पहले मेरी बहन की खुशी। हां मेघा, इस खुशी के लिए मैं इस दुनिया की हर चीज यानी इस दुनिया को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। सच, सच। तुम यहां कैसे आ गए? तुम जानते नहीं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। सर जी, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूं। ये विनती का शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मुंह से तो सिर्फ पूंजीवाद, पूंजीपति को गालियां ही जचती हैं। कहां गया तुम्हारा गुरू, तुम्हारी बगावत का वो जज्बा? सेठ जी, वक्त के धारे के साथ वो सब कुछ बह गया। मैंने तो यूनियन से त्याग पत्र भी दे दिया। तब तुम बिना काम, बिना पोजीशन, बिना हैसियत के हो गए हो, बेकार भिखारी है? क्या मांगने आए? मैं अपनी बहन की खुशियां मांगने आया हूं सेठ जी। मेघा आकाश को बहुत चाहती है, उसके बगैर वो मर जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं सेठ जी। हाथ जोड़ते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो शंकर, बहुत अच्छे लगते हो, यही तुम्हारी हैसियत है। मेरी कोई हैसियत नहीं है सेठ जी, लेकिन सच्चे प्यार के आगे ये धन दौलत, रुपया पैसा, अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, आप मेघा और आकाश के बीच दीवार न बने। शंकर, तुम यूनियन के लीडर थे और हमारे दुश्मन थे, हमारे मजदूरों को हमारे खिलाफ भड़काया तुमने, हकीकत से मुंह मोड़कर उन्हें बगावत रुकाया तुमने, और अब भिखमंगू मुफलिस भिखारी भाई बनकर तुम हमारे पास आए हो, और अब तो तुम हमारी दुश्मनी के काबिल भी नहीं रहे। और रिश्ते की बात करते हो, रिश्ते की बात करते हो, तुम निकल जाओ यहां से। मेरी बहन की खुशी आपके हाथ में सेठ जी, मैं आपके पांव पर। निकल जाओ, मैं कह रहा हूं। सेठ जी, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं मिन्नत करता हूं। आई से गेट आउट, गेट आउट। मेरी बहन मर जाएगी, आप मेरी बात। अरे आओ जी मालिक, तुम मुंह क्या देख रहे हो? मेरे आओ इधर, बात तो सुनिए। धक्का मार कर निकाल दो सेठ जी, धक्का मार कर निकाल दो। दुश्मनी मेरे साथ है सेठ जी, आप मेरी बात तो सुनिए, आपकी दुश्मनी मेरे साथ है। हट, मेरी बात सुनिए सेठ जी, हम इसके मनहूस सूरत नहीं देखना चाहते। मेरी बहन की खुशी आपके हाथ में, प्रेम कीजिए सेठ जी, प्रेम सुनिए सेठ जी।
सर, जेरी एंड जेरी कंपनी की तरफ से टेलीग्राम आया है। क्या लिखा है? उन्होंने हमारा 2 करोड़ का कंसाइनमेंट बिलो स्टैंडर्ड कहकर रिजेक्ट कर दिया है। अरे, पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया एक ही झटके में? करोड़ रुपए का सफाया हो गया? ऐसे क्या? हेलो, असलम बाबू, हम मिल में स्ट्राइक चल रहा है ना, वो देखिए ना, वो क्या क्या, वो क्या, नहीं लेकिन ऐसी कैसी मुसीबतें शुरू हो जाती है। May I come in, sir? बैठिए। थैंक यू सर। मशीनरी के लिए आपने स्टेट गवर्नमेंट से जो लोन लिया था उसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई है, और 2 रिमाइंडर आपको भेजे गए उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। बात दरअसल यह है कि आजकल मिल में स्ट्राइक चल रही है और एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई हैं, और ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है सर, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं। किसी भी कीमत पर 24 घंटे के अंदर आपको 50 लाख रुपए की रकम जमा करनी होगी। लेकिन आप, आई एम सॉरी सर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। नमस्ते। Hi there, Jackson here. मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। भानु प्रताप जी, वाह वाह वाह, क्या अजब इत्तेफाक है। मैं अभी अभी आप ही की बात कर रहा था, बल्कि मैं आपसे मिलने आने वाला था। फरमाइए। मैं भारी मुसीबत में आ गया हूँ मिस्टर जैक्सन। 50 लाख का लोन चाहिए मुझे, वो भी कल तक। 50 लाख और वो भी टुमारो? इतनी बड़ी रकम और इतनी जल्दी? ये क्या कर रहे हैं आप मामा जी? होल्ड ऑन भानु, क्या ऐसा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। सोना दीदी के लिए आकाश बहुत अच्छा लड़का है। हाँ। एक तीर से 2 निशाने। मतलब ये मामा जी, हाँ, भानु प्रताप को पैसों की जरूरत है और आपको दामाद की। सौदा कर लीजिए, 50 लाख आपके लिए हाथ के मैल बराबर है, और वो तो लोन मांग रहा है। आई एम सॉरी भानु, इतनी बड़ी रकम आप बहुत जल्दी मांग रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, कम से कम आपने मुंह खोल के कुछ मांगा तो सही, हम आपका काम जरूर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम तो ये चाहते हैं कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मैं कुछ समझा नहीं। भानु प्रताप जी, मेरी एक बेटी है सोना, तो सोना और आकाश की जोड़ी बहुत खूब रहेगी। इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, आकाश की मर्जी के बगैर मैं कुछ। तो सोच लीजिए। आप भी सोचें, हम भी सोचें। टेक योर टाइम, और जब आप सोच ले। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे आपसे रिश्तेदारी बांधने में कोई आपत्ति नहीं है मिस्टर जैक्सन। बहुत खूब, तो बात पक्की हो गई ना। पैसे आपको कल मिल जाएंगे। वाह भांजे बेबी, क्या मौके पे आए हो। ठीक कहा मामा जी, मैं सचमुच बहुत सही मौके पर आया हूं। May I come in, sir? हाँ, जा जा भाई। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं मिस्टर जैक्सन का भांजा विनोद हूँ। बरखुदार, बैठो। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। मामा जी ने आपके लिए ये 50 लाख का चेक भेजा है। ऐसे आड़े वक्त में उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर उनका एहसान मंद रहूंगा। अंकल, सौदे में एहसान वैसा नहीं मानते। अब देखिए ना, आपको पैसों की जरूरत है और मामा जी को एक बढ़िया सा दामाद की, बात बराबर? अरे हाँ अंकल, जरा इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। किस सोच में पड़ गए आप? ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, आप कर्ज चुका देंगे तो ये बेमानी हो जाएंगे, क्यों? ठीक है ना? थैंक यू। सोना और आकाश की जोड़ी बहुत जचेगी। नहीं मां, ये नहीं हो सकता, मेरी शादी मेघा के सिवा और किसी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं मां, मैंने मेघा से प्यार किया है,
और मेरी शादी भी उसी से होगी। पर तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा ने जैक्सन को जुबान दे दी। तो फिर पापा को अपनी जुबान वापस लेनी होगी। तुम अपने पापा की जिद को अच्छी तरह से जानते हो, वो किसी भी तरह से। तो फिर मेरी भी बात सुन लो माँ, मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जिद के दो पहाड़ आपस में टकराए और घर में एक तूफान आ जाए। हेलो भानु प्रताप, जैक्सन हियर, रिमेंबर मी? जैक्सन साहब, आपको कैसे भूल सकता हूँ? बहुत इंतजार करवाते हो तुम भानु। आप तो जानते हैं कि मिल के मामले में कितना उलझा हुआ हूँ। उसी को सुलझाने के लिए तो ये शादी हो रही है। और तुम हो कि तुम्हारा मुहूर्त ही नहीं निकल रहा। मैं एक दो रोज में आपको जवाब देता हूँ। दैट्स द प्रॉब्लम भानु, तुम सिर्फ देखते हो, सुनते नहीं और समझते तो बिल्कुल नहीं। तो समझ लो, ये शादी दो दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। क्या समझे? मेरा ख्याल है आपने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया। गुड, वेरी गुड। हम इस शुभ घड़ी का इंतजार करेंगे। ओके ओके। रश्मि, मैं इसे कैसे समझाऊं कि मेरा अपना बेटा मेरे काबू से बाहर है और कब तक शादी को टालता रहूंगा? अब इस घर की इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ नीलाम हो जाएगी और ऐसी बेइज्जती होने से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे माँ जी, आप आइए आइए, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। बैठी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए माँ जी। क्या बात है माँ जी, आप कुछ परेशान से लग रही हैं। बेटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। तुम्हारा अपनापन देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कुछ देर और हो गई तो शायद मैं कुछ भी न कह पाऊं। ऐसी क्या बात है माँ जी, अगर आप मौत की सजा भी सुनाएंगी तो मैं हंसी खुशी स्वीकार कर लूंगी। बेटी, मैं जो बात कहने जा रही हूं वो मौत की सजा से बढ़कर है तुम्हारे लिए। सजा बताने से पहले मेरा जुर्म तो बता दीजिए माँ जी। तुम्हारा जुर्म सिर्फ इतना है कि तुम बेकसूर हो, निर्दोष हो। साफ साफ कह दीजिए ना माँ जी, मेरा दिल सचमुच बैठा जा रहा है। बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम आकाश से बहुत प्यार करती हो, लेकिन आज मैं अपने बेटे को तुमसे मांगने आई हूँ। मेरी झोली में अपना प्यार डाल दो, मेरे आकाश को अपने दिल से निकाल दो, भुला दो उसे। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? मैं आकाश को भुला दूं, अपना प्यार आपको वापस लौटा दूं, फिर मेरी जिंदगी में क्या रह जाएगा? मैं तेरे दिल का दुख समझ सकती हूँ मेरी बच्ची। समझ कर भी आप ऐसी बात कहेंगी? माँ जी, आप नहीं जानती, मैं अपने सपने में आपकी बहू बन चुकी थी। अपने भाई का घर छोड़कर आपके घर आ चुकी थी। आपने दहलीज पर मेरा माथा चूमा था, अपनी ममता लुटाई थी। मैं आपके प्यार में विभोर हो चुकी थी और आज आप, मैं अपने सपने लेकर कहाँ जाऊंगी? माँ जी, मुझे मार डालिए, मगर इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए, मत दीजिए। बेटी, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं कितनी मजबूर हूँ? आपकी क्या मजबूरी है माँ जी, आपके पास तो सब कुछ है, मोटर, बंगला, धन दौलत, जमीन जायदाद। मेरे पास तो सिर्फ मेरा प्यार है। मुझसे मेरा प्यार मत छीनिए माँ जी, मत छीनिए मुझसे मेरा प्यार। बेटी, मैं तुझसे तेरे प्यार के बदले अपने सुहाग की भीख मांगने आई हूँ। अपने सुहाग की भीख? ये आप क्या कह रही है माँ जी, मैं कुछ नहीं समझी। बेटी, तुम कुछ नहीं जानती, हम पूरी तरह डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। हमारी एक एक चीज गिरवी रखी हुई है,
आकाश की डैडी तरस के बोझ तले दब गए हैं। अगर अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हमारा घर, हमारा सब बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। पुरखों का मकान नीलाम हो जाएगा, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये सदमा आकाश की डैडी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, और वो आत्महत्या, नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे मेरे प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी आपके सुहाग पर मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगी, अपने सारे अरमानों को मिटा दूंगी। और अगर न मिट सके तो खुद मिट जाऊंगी। मेघा, मेघा, तुम कहां चली गई थी? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। अरे मैं तो पागल हो गया था। मैं सोच रहा था कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया मेरी मेघा को। देखो अब मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेघा बेकार, इतनी भागदौड़ की मेरे लिए? मेघा मुझे तो अभी भी कुछ कुछ पागल लग रहे हो। देखो मेघा, जिंदगी और मौत में जरा सा फासला होता है और मैं इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा हूं। सिर्फ तुम मुझे बचा सकती हो। तुमने कहावत सुनी है, एक अनार सौ बीमार। तो जनाब, मेरे चाहने वाले और भी बहुत सारे हैं। मेघा तुम होश में तो हो? अरे मैं आकाश हूं, मुझसे यह खिलवाड़ मत करो। बहुत जलते हो मेघा। मेघा तुम्हें क्या हो गया? किसी ने तुम पर जादू तो नहीं कर दिया? तुम कितनी बदल गई हो मेघा। जिसकी सांसों की जुबान मैं इतनी अच्छी तरह समझता था, जिसकी आंखों का रंग मुझे देखकर बदल जाता था, वही मेघा मुझसे ऐसी मिल रही है जैसे कि मैं कोई गैर हूँ, अजनबी हूँ। बहुत हो चुका आकाश साहब, लगता है आपके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो चुका है। पता नहीं क्या बेतुकी बातें किए जा रहे हैं। इतनी बेरुखी कहां से आ गई तुम में? यही मेरा असली रंग है। जो कुछ तुमने देखा सुना वो सब झूठ था। और हमारा प्यार, क्या वो भी सब झूठ था? प्यार था ही कहां? वो सारी बातें, कहीं अनकहीं तुम्हारे आंखों के वो सात रंग, तुम्हारे होठों से किए हुए वादे। हाँ सब झूठ था, फरेब था। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं। तुम मोहब्बत की बात करते हो, क्या तुम जानते हो कि गरीबी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अमीरी? मैंने तुम्हारी दौलत से प्यार किया था और अब जब तुम कंगाल हो गए हो, मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? बेगैरत, बेशरम, मोहब्बत को रोजगार बनाती हो, पेशा बनाती हो, मेरी जिंदगी को तबाह कर उसका मजाक उड़ाती हो, मेरा सुकून आराम छीन कर खुद मुस्कुराती हो। इतना जहर कहां से भर गया तुम्हें? I hate you. मैं हमेशा के लिए तुम्हें भुला दूंगा, अपने दिल से निकाल दूंगा तुझे हमेशा के लिए। लेकिन ये दिल क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता है ये? बहुत हो चुका, मैं भुला दूंगा तुझे, भुला दूंगा तुझे।
ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या है? अपनी मौत, ये सब जो हो रहा है उसका एक ही नतीजा है, हमारी मौत। और जब हमें मरना ही है तो हम अपने बेटे के हाथों मरना पसंद करेंगे। ये लो, चलाओ गोली। तुम इसलिए खुदकुशी करना चाहते हो ना कि हम तुम्हारे और मेघा के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए हैं? तो गिरा दो इस दीवार को, मार डालो हमें और जाओ मेघा से शादी कर लो। नहीं नहीं नहीं, ना मत लीजिए मेघा का। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ खिलवाड़ किया है, वो बेवफा है, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। I hate her। पापा, आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना? आप जहां चाहे करवा दीजिए, मैं तैयार हूं। तुम मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ मिलने आए? मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम देखती कम हो। मैं तुम्हें आज फिर याद दिला दूँ, मैं तुम्हें देखकर भी नहीं देखती। शायद मैं इसलिए तुम्हें भुला नहीं पाया, और मैं चाहता हूँ कि ये कांटा हमेशा मुझे बेचैन रखे और मैं तुम्हें हमेशा पाने की सोचूं। कुछ और कहना है? हाँ, एक और बात है, तुम्हें एक दावत देनी है, एक ऐसी जगह जहां तुम जाना नहीं चाहोगी, और एक ऐसा मंजर जो तुम देखना नहीं चाहोगी, आकाश और सोना की शादी। सोना मेरी बहन है। मेघा, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे और आकाश के संबंध मेरी बहन सोना के वैवाहिक जीवन में कुछ तूफान मचा सकते हैं, इसलिए शक को दूर करने के लिए तुम्हारा वहां आना बहुत जरूरी है। मेरा ही घर जले और मैं खुद तमाशा न देखूं? मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। लाइए माइक, लाइए। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से मिस्टर और मिसेज आकाश को शादी की मुबारकबाद देता हूं। अरे, मिसेज आकाश कहाँ है? एनीवे, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड। जिंदगी में ऐसा मौका, ऐसा मंजर
कभी कभी आता है, तो क्यों ना इस खुशगवार मौके का फायदा उठाया जाए और आज के इस महफिल को महफिल एक जन्नत बना दिया जाए। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने कॉलेज के हर दिल अजीज पा कमाल मिस मेघा से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी आवाज से इस महफिल में चार चांद लगा दें।
चलो यार कपड़े तो बदले। आपका इरादा क्या है? आंखें खोलिए, जरा देखिए मैं कौन हूँ। इतना मुश्किल सवाल क्यों करती हो? For God's sake, आज की रात जो मैंने मांगी थी बड़ी मुश्किल से पाई है। मुझसे ऐसा मजाक मत करो प्लीज, मेरी तरफ देखो ना। ऐसी क्या बात है, कौन हो तुम? मेघा, मेघा तुम आ गई। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, मैं जानता था। मैं तुम्हें मेघा नजर आती हूँ? अगर तुम मेघा को इतना चाहते हो तो शादी क्यों की मुझसे? सुहाग रात का बहुत अच्छा तोहफा दे रहे हो, मेरे सामने किसी और का नाम लेते हो? आखिर तुमने समझा क्या है? मेरी बेइज्जती करते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो। तुम जानते नहीं मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम मेरे गुलाम हो। गुलाम हूँ तो ले जाओ उठा के इस जिस्म को, खरीदा है तो बेच डालो मुझे। आकाश मेरी तरफ देखो, आखिर उस रास्कल मेघा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? बकवास बंद करो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उस कमीनी के लिए तुमने मुझे मारा। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे खानदान को चौराहे पर न ले आओ तो मेरा नाम सोना नहीं। तुम कहीं बाहर गाँव गए थे ना? जी हाँ। किसी केस के लिए गए थे? हाँ जी। शिबू बता रहा था। सब ठीक है ना? हाँ जी। अरे बहू तुम इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? अपने बेटे से जाकर पूछिए शराब के नशे में क्या क्या बक रहा है। क्या बकता है? तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, बाप बेटे ने मिलकर चाल चली है हमारे साथ। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं किया करते। बस बस रहने दीजिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। तरीके से बात करो, तुम इस घर की बहू हो और हमारे घराने की मान मर्यादा का ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है। बड़े आए मान मर्यादा वाले भिखमंगे फकीर, अब तो मैं निकालूंगी तुम लोगों की मान मर्यादा। सेठ जी, क्या ये लड़की आपकी बहू है? हाँ डॉक्टर साहब। बुरा मत मानना सेठ जी, ये लड़की आपके खानदान के लायक नहीं है। क्यों? लंदन में जिस मेडिकल कॉलेज में मैं ट्रेनिंग ले रहा था वहाँ इसने अपना अबॉर्शन करवाया था। भानु प्रताप, तूने मेरी बेटी की बेइज्जती करके अपनी बर्बादी को दावत दी है। But there is still time, अभी भी वक्त है। अगर तू और तेरा बेटा यहाँ आकर माफी मांग ले तो। माफी? जैक्सन, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। तू जितना नीच है ना, तेरी बेटी उससे भी ज्यादा नीच है। तूने अपने अपने घर की गंदगी को हमारे दामन पर उछाल कर हमारे खानदान को भी दागदार कर दिया है। That's quite enough, भानु। अब तू सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर जब मैं तेरे खानदान की ईंट से ईंट बजाकर तेरे गुरूर को चकनाचूर कर दूंगा, समझे? देखा जाएगा, चौकी में आए करो। वर्मा। जी सर। इसी वक्त अपने वकील के पास जाओ, भानु प्रताप की सारी प्रॉपर्टी, उसकी हवेली और सब कुछ इसी वक्त नीलाम हो जाने चाहिए। Do it now, at any cost. Right, sir. Oh, Papa. Oh, Papa. मेघा, मेघा, देखो मेघा, देखो मेघा, जैक्सन ने भानु प्रताप पर डिग्री ले ली है। अगर 3 दिन के अंदर भानु प्रताप ने 50 लाख की पेमेंट नहीं की तो उसकी बिल, उसका मकान और उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। अरे 50 लाख तो क्या, वो 50,000 देने के काबिल नहीं है। अब उसे रास्ते पर देखकर जितनी खुशी मुझे होगी शायद किसी और को नहीं। आज जिस तरह मेरी बहन तड़प रही है और मैं रो रहा हूं, कल उसी तरह वो रोएगा तड़पेगा। उस वक्त मैं खुशियां मनाऊंगा, सारे शहर में मिठाइयां बांटूंगा, घी के दिए जलाऊंगा। हे भगवान, भगवान आज तू इस भाई की विनती सुन ले।
जिसने मेरी बहन से उसकी खुशियां छीनी है, तुम उससे उसका सब कुछ छीन लो। छीन लो भगवान, सब कुछ छीन लो। मेरी यह तमन्ना है कि तकदीर आप पर फूलों की वर्षा करे, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर याद करें। मैं चाहूंगी कि मुझ पर कोई मुसीबत आए और मैं आपका एहसान लूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको किसे मिलना है? प्रकाश बाबू है। वो तो शिमला गए हुए हैं। कब कभी आएंगे? पता नहीं। अगर 3 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो भानु प्रताप का घर नीलाम हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, भले मुझे अपने आप को बेचना ही क्यों न पड़े। भानु प्रताप की इज्जत बचाने की तुम्हें बहुत फिक्र है ना? हाँ? लेकिन अब उनकी इज्जत बच नहीं सकती। 50 लाख रुपए इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी वो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। 50 लाख रुपए मैं उन्हें दे सकता हूं। तुम्हारी कीमत, अपने आप को बेचने को तैयार हो तुम? मतलब? मुझसे शादी करनी होगी। कल तक अगर 50 लाख रुपए नहीं मिले तो भानु प्रताप का घर नीलाम हो जाएगा। क्या सोच रही हो? मुझे मंजूर है। आओ। माजी, ये लीजिए, इसमें 50 लाख रुपए हैं। इससे अपना कर्ज अदा कर दीजिए। इतने सारे रुपए कहां से लाई बेटी? कहां से लाई, कैसे लाई, ये पूछने का समय नहीं है माजी। हम ये रकम नहीं ले सकते बेटी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब इन बातों का वक्त निकल चुका है। ये तो पैसा है माजी, ने जो मुझसे मांगा था उससे ज्यादा ये कीमती नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे कबूल कर लीजिए, इस कोठी को बचा लीजिए। अगर आपकी इज्जत बच गई तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी कुछ तो काम आई। हमें इतना शर्मिंदा भी मत करो कि हम अपने आप को माफ करने के काबिल ना रहे। मैं समझती हूँ कि अब मुझे जाना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए माँ जी। तुमने उस बेवफा को यहाँ आने कैसे दिया? वो झूठी है, मकार है। नहीं बेटे, वो झूठी नहीं है, मकार नहीं है, वो तो देवी है, देवी। उसने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पर किया है। माँ, माँ ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ बेटे, कुछ न पूछो हम पर क्या बीती है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पापा आत्महत्या करने जा रहे थे, घर और मिल दोनों नीलाम होने वाले थे। हाँ आकाश, हमने तुम्हारी जिंदगी के साथ एक सौदा किया था। सोना के साथ तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि हम सारे कर्ज चुका सकें। मेघा बिटिया ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है बिटिया ने। और मैंने उसे थप्पड़ मारा, उस पे शक किया, उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। माँ ये तुमने क्या किया? और पता नहीं आज ये 50 लाख रुपए कहां से लाई है। मैं जानता हूं मां,
मैं जानता हूँ वो पैसे कहाँ से लाई है। ओम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि ओम सर्व मंगल मांगले श्री सर्वाज सादी के श्रमे त्रंबके गौरीनाथ ओम गजानन भूत गनादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षण पंकजम एक दंतो महाबुद्धि सर्वदय सेवा गौरी पुत्र विनायक ओम तत् मेघा विनोद की हो चुकी है, सामाजिक रस्म और रिवाज के बंधन में बन चुकी है। जरा सोचो, जिस मेघा ने तुम्हारे खानदान की इज्जत और मान मर्यादा बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तू उसी की जिंदगी में जहर घोल रहा है। अब मेघा की भलाई ही तेरा मकसद है और उसकी भलाई इसी में है कि तू उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जा। तू भूल जा मेघा को, भूल जा मेघा को, भूल जा। दुल्हन दुल्हन मेघा, याद करो उस दिन को जब मैंने तुम्हें कहा था कि जो चीज मुझे पसंद आती है उसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता हूं, और 50 लाख ही क्या, तुम्हें पाने के लिए मैं करोड़ों खर्च कर सकता था, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर पाना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। मेघा, आज मैं बेइंतहा खुश हूं, बेइंतहा खुश हूं मैं। इसलिए नहीं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, बल्कि इसलिए कि आज मैं तेरे उस थप्पड़ का जवाब दे सकता हूं जो तूने मुझे भरे कॉलेज में मारा था। आज से मेरा इंतकाम शुरू होगा। परसों से जो आग दिल में जल रही है, जिसमें मैं दिन रात झुलस रहा था, वो आज बुझेगी। हाँ, बुझेगी। तुझसे ऐसा भयानक बदला लूंगा मैं कि तू मौत की फरियाद करेगी, लेकिन तुझे मौत भी नहीं आएगी। मैं तुझे उस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक रहे। तेरी जिंदगी को नरक में बदल दूंगा मैं, तेरी जिंदगी को ऐसे रौंद डालूंगा मैं जैसे कुमार अपनी मिट्टी को रौंद डालता है। तेरी जिंदगी को नरक में बदल दूंगा मैं, तेरी जिंदगी को ऐसे रौंद डालूंगा मैं जैसे कुमार अपनी मिट्टी को रौंद डालता है। तेरी जिंदगी को नरक में बदल दूंगा मैं। प्रीत अधूरी रहती।
मेघा तुम कहाँ हो? आकाश! मेघा! आकाश! मेघा! 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 आकाश! मेघा! मेघा! एक खरीदी हुई औरत रखेल होती है, रखेल पत्नी नहीं, रखेल चलोट।